पठानकोट विखे तीन दिनी कथा समागम का आयोजन किया जा रहा, जिस विच बाबा बगेश्वर धाम दरेंद्र कृष्ण शास्त्री जिहड़े कि वह कथा विच शामिल होने वास्ते पहुँचे ने। अज अमृतसर पहुँचे ने, सचखंड श्री हरिमंदर साहब विखे नतमस्तक होने तों बाद श्री दुर्गाना मंदिर विखे नतमस्तक होए ने। तां उह सुणदे आ इत्थे मत्था टेकण तों बाद उन्हां ने की आख्या। गोल्डन टेंपल में दर्शन किए, इसके बाद अभी हम दुर्गाना मंदिर आए हुए हैं। श्री स्वयंभू हनुमान जी का यह पावन तीर्थ है, हम यहाँ पर दर्शन करने आए हैं। और पंजाब पूरा प्रदेश आध्यात्मिकता से भरा पड़ा है, यहाँ के लोग बहुत प्यारे हैं सभी लोग। जब हम गुरुद्वारा गए थे वहाँ के सभी सरदारों ने बहुत आत्मीय स्वागत किया, हमें बहुत अच्छे से दर्शन कराया। अभी हम दुर्गाना मंदिर आए, यहाँ की समिति बहुत अच्छी है, अब बालाजी के दर्शन करेंगे। आप सबसे कहना है कि सभी प्रसन्न रहो, मुस्कुराते रहो और भारत हिंदू राष्ट्र की जय, उसमें कोई संदेह नहीं है। भारत हिंदू राष्ट्र पहले से ही है, हिंदू राष्ट्र में जो बाकी कौन है, क्या वो किसी को कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। हिंदू राष्ट्र का मतलब ये नहीं है कि किसी को भारत छोड़ना, सबका देश है और सब रहेंगे। हिंदू राष्ट्र का मतलब संस्कृति और संस्कार दोनों स्थान। जो वास्तविक रूप से हमारी बात को समझ गए वो कभी नहीं करते। चुनाव पर हम कोई बयान नहीं देते। धन्यवाद। यही है कि हलीउल्लाह वाले इस देश को बर्बाद कर देंगे। हलीउल्लाह वाले आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। तो अश्नील जी महाराज साढ़े नाल ने उन्होंने गलबात कर लेने जी। आज जड़े दरिंदर शास्त्री जी इतने दुर्गाना मंदिर मत्था टेकन पहुंचे। जय श्री राम। अज दरिंदर शास्त्री जी दरगियाना मत्था टेकन आए ने। बड़े हनुमान जी के मत्था टेकया, लक्ष्मी नारायण जी के मत्था टेकया आ, उन्हों का अं धन्यवाद करते हैं। सब तो वड्डी गल ए आ कि उन्होंने अपने कीमती टाइम विचों टाइम कढ के जिहड़ा कि साडी बेनती ते ही अमृतसर रुके आ श्री दरबार साहब और श्री दरगियाना तीर्थ। उन्होंने जो दस्या गया कि वह कहते मैं जरूर इतों हो के जाना आ, बड़े हनुमान जी के मंदिर मत्था टेक के जाना आ। उन्होंने दस नवरात्रियां दे विच लंगूरां दा मेला चलता पिया आ, पूरे हिंदुस्तान दे विच एक नहायत मंदिर दरगियाना तीर्थ बड़े हनुमान जी का मंदिर आ, जिथे साल च एक बार जिन्हों दी मनोकामना पूरी होंदी अपने बच्चों नूं लंगूर बना के लिया जांदे ने, वो इसे ही प्रभावित हो के अज इत्थे दरगियाना तीर्थ मत्था टेकन आए ने। ते नाल ही आपां उन्हां दा धन्नवाद करदे आ कि जिन्हां ने अपना टाइम कढ के ते आके बड़े हनुमान जी का लक्ष्मी नारायण जी का अपना आशीर्वाद प्राप्त किया। श्री दरेंद्र शास्त्री दुर्गाना मंदिर में आए ही हम अमृतसर वालों के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। इनके दूरदर्शन पर प्रवचन सुन के, इनकी राष्ट्रभक्ति की बात सुन के, सनातन धर्म को उन्नत करने की बात सुन के सारा देश प्रभावित है। तो उनका यह आना हम सब लोगों के लिए बड़ी खुशी की बात है। और वो हमारे दुर्गाना मंदिर में आए, ठाकुर जी का आशीर्वाद दिया वो, क्योंकि हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त हैं। हनुमान जी से ही समाज को जोड़ रहे हैं। हनुमान जी शक्ति और भक्ति का प्रतीक है। यहाँ आकर भी उन्होंने मुख्य रूप से श्री हनुमान जी के मंदिर से ही आशीर्वाद प्राप्त किया है। और अच्छा लगा वो ये कह गए कि वो कभी फिर समय निकाल के आएंगे और हमारे मंदिर में ज़्यादा समय बिताएंगे। मैं उनका भी धन्यवाद करती हूँ, अश्नील जी महाराज का भी करती हूँ। अगर ये आग्रह ना करते तो शायद वो अमृतसर ना रुकते, और रुके भी थे तो हमारे लिए समय ना निकालते। हमें बहुत बहुत खुशी है और सबका धन्यवाद। जय श्री राम। धीरेन्द्र शास्त्री जी छतरपुर वाले जेडे कि इतने अज श्री दुर्गाना मंदिर विखे नतमस्तक होने वास्ते पहुंचे सीगे, ते दुर्गाना मंदिर प्रबंधक कमेटी के प्रधान लक्ष्मीकांत चावला ते समूह अहुदेदारां वल्लों उन्हां दा निघा स्वागत भी किया गया। कैमरा परसन विपिन शर्मा नाल सिकंदर पसरीचा, दैनिक सवेरा टीवी अमृतसर।